एवरीवन, हम लोग जीके में पर डे 5 क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं, जिसकी सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 446 से क्वेश्चन नंबर 450 तक क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। तो चलिए हम लोग उन सभी क्वेश्चन आंसर को लर्न करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 446, द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर इज विपाशा, कौन सी नदी का संस्कृत का नाम विपाशा है। देन इट्स आंसर इज बीज रिवर। क्या आंसर होगा इसका? बी ई ए एस, बीज रिवर। क्वेश्चन नंबर 447, फॉर विच इज हाइड्रोमीटर यूज्ड, हाइड्रोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है तो वो किस चीज को मीजर करने के लिए यूज किया जाता है। देन इट्स आंसर इज हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मीजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। हाइड्रोमीटर ग्रेविटी को मीजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसकी ग्रेविटी? लिक्विड की ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी? लिक्विड की ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 448, व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 ऑफ जनवरी। कब मनाया जाता है? 26 ऑफ जनवरी। वैसे इंडिया में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 449, व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14th ऑफ नवंबर। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 450, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट मतलब ग्रह कौन सा है। हमारी सौर प्रणाली का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देन इट्स आंसर इज वीनस। क्या आंसर होगा इसका? शुक्र ग्रह। क्या आंसर होगा इसका? शुक्र ग्रह, वीनस। थैंक यू वेरी मच।